स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहर में 75 ऑक्सीजन जोन तैयार किए जाए, ऐसी संकल्पना महापौर दयाशंकर तिवारी ने व्यक्त की है। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए दक्षिण नागपुर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर ऑक्सीजन जोन तैयार किए जाने के अभियान को शुरुआत की गई है। बता दें कि इस अभियान की शुरुआत विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे इनके हाथों 1 जुलाई को की गई थी। महापौर दयाशंकर तिवारी की पहल से वार्ड 30 उमरेड रोड स्थित भविष्य निर्वाह निधि कार्यालय के सामने एक छोटी बच्ची के हाथों से खुले मैदान में 1000 पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया गया। यहाँ नीम, करंजी, पीपल और कदम जैसे 1000 ऑक्सीजन के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर मनपा 75 ऑक्सीजन जोन बनाएगा। 15 अगस्त तक सभी 75 ऑक्सीजन जोन बन जाएंगे। इसकी शुरुआत पर्यावरण दिवस के मौके पर गांधी बाग पार्क से हुई है। उस दिन पार्क में 3000 ऑक्सीजन युक्त पेड़ लगाए गए थे। दूसरे चरण के तहत भविष्य निधि निर्वाह कार्यालय के सामने 1000 पेड़ और लगाए जाएंगे। वार्ड 26, वार्ड 24 और वार्ड 28 में भी वृक्षारोपण शुरू हो गया है। मनपा द्वारा पीपल, वड, नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। मनपा का इरादा 5000 पीपल और 5000 वड के पेड़ लगाने का है। बुद्ध विहार में बोधि वृक्ष भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन के बाहर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की आवश्यकता है। विशेष फलदार पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पक्षियों और जैव विविधता का एक बड़ा प्रवाह हो। इंद्रदेवी टाउन नंदनवन वार्ड 26 के मैदान पर पेड़ लगाए गए। यहाँ करंजी, नीम, कदम, बांस, पीपल, आंवला आदि के 200 पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे वातावरण को खुशनुमा करने में थोड़ी और मदद होगी।